हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो है गाइस, अगेन आई एम हेयर विद अ हिंदू न्यूज़पेपर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा इनोवेशन किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार आपको इंग्लिश वर्जन देखने को मिल जाएगा और वहीं पे एक बार आपको यहाँ पे हिंदी वर्जन देखने को भी मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से न केवल मैंने इसको, बाकी जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी उन सारी चीज़ों को मैंने दोनों ही वर्जन में यहाँ पे लाने की कोशिश करी है। एक बार आप हिंदी पढ़ पाएंगे, एक बार आप इंग्लिश को भी देख पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को मैंने एक साथ मिक्सअप किया हुआ है। तो चलिए फिर वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूँ कि वीडियो थोड़ा लेट मैंने अपलोड किया है, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। बट यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि जो भी कंटेंट हो उसके साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ ना हो। और एक बार मैं यहाँ पे बता दूँ, क्योंकि न्यूज़ काफ़ी है तो मैं यहाँ पे ज़्यादा समझा नहीं पाऊँगा, इसीलिए आप मेरे साथ थोड़ा बने रहेंगे। आप एक बार इसको, अगर आपके पास न्यूज़पेपर हो तो आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं हिंदी वर्जन को ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मोस्टली जो एस्पिरेंट हैं उनको हिंदी समझने में, या फिर जो हिंदी बैकग्राउंड के हैं उनको हिंदी में द हिंदू का कंटेंट नहीं मिल पाता है। सो उनके लिए ये जो मुहिम है वो मेरे थ्रू चलाई जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि उन सारे एस्पिरेंट की मेरे थ्रू मदद हो सके। तो चलिए फिर मैं आपको यहाँ से एक बार मैं कोशिश करूँगा कि दोनों ही लैंग्वेज को पढ़ सकूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पर दोनों ही लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैं एक पेन ले लेता हूँ यहाँ से, एक मिनट। जैसा कि यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक यहाँ पे जो दिया गया है वो कहा गया है कि नॉट इन फेवर ऑफ आउटराइट क्रिप्टो बैन, CIS संजीव बजाज। तो इनके बारे में कहा जा रहा है, अलाउज NBFCC इज ग्रेटर लीवे टू फाइनेंस इंडियाज ग्रोथ। तो यहाँ पे ये कुछ टॉपिक है, मैं आपको इसका हिंदी बता देता हूँ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक मुश्त क्रिप्टो प्रतिबंध के पक्ष में नहीं, CIS के संजीव बजाज, ऐसा कुछ करके यहाँ पे न्यूज़ है। और यहाँ नीचे ये भी बताया गया कि भारत के विकास को वित्त पोषित करने के लिए NBFCS को अधिक छूट दें। चलिए यहाँ पे मैं आपको पहले एक बार इंग्लिश पढ़ के बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, कहा जा रहा है कि इंडिया शुड डेजिस्ट फ्रॉम इम्पोजिंग एन आउटराइट बैन ऑन क्रिप्टो करेंसीज एंड वर्चुअल डिजिटल एसेट कॉन्फेडरेशन एंड इंडियन इंडस्ट्री CII प्रेसिडेंट संजीव बजाज सेड नथिंग देयर कैन बी पॉजिटिव यूजेस फॉर सच अ प्रोडक्ट। इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे क्या होता है मैं आपको हिंदी बता देता हूँ। इनके थ्रू क्या कहा जा रहा है, इनके थ्रू बताया जा रहा है कि भारतीय उद्योग परिसंघ जो CII के नाम से जानी जाती है, कि अध्यक्ष संजीव बजाज ने कहा कि भारत को क्रिप्टो मुद्रा और आभासी डिजिटल आपत्तियों पर एक मुश्त प्रतिबंध लगाने से बचना चाहिए, यह देखते हुए कि ऐसे उत्पादों के लिए सकारात्मक उपयोग हो सकते हैं। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग। आगे कहा जा रहा है कि एट CII वी बिलीव दीज आर न्यू इनोवेटिव एसेट्स और प्रोडक्ट दैट आर कमिंग आउट, वी शुड नॉट आउटराइट बैन देम, ही सैड इन एन इन इंटरव्यू विद द हिंदू। तो यहाँ पे बताया गया है द हिंदू के इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले कहा जा रहा है कि जस्ट अ मिनट, हाँ, द हिंदू के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि CII में हम मानते हैं कि ये नवीन संपत्ति या उत्पाद है जो सामने आ रहे हैं, हमें उन पर एकमुश्त प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। आई थिंक यहाँ पे अगर मैं पढ़ लूँगा इंग्लिश वर्जन को भी तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक बार मैं आपको बता देता हूँ सारी न्यूज़ क्या है, तो एक बार मेरे साथ कॉपरेट बन के रहिए। आप यहाँ पे आप देख लीजिए कि न्यूज़ क्या है, क्योंकि न्यूज़ काफ़ी है और कंटेंट सारा कुछ आपको बताना है तो टाइम बहुत लग सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे हिंदी वर्जन बता देता हूँ। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर हमें बताइएगा। आगे उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि उनके पास नकारात्मक है, लेकिन वे सकारात्मक भी बना सकते हैं और वे विश्व स्तर पर दुनिया को छोड़ते हैं, उन्होंने कहा। तो हमारा सुझाव है कि उनकी निगरानी और विनिमय किया जाए, शायद यह सैंड बॉक्स में पर्यावरण और उन्हें अधिक नियंत्रित वातावरण में आजमाएं और उनसे सीखें, फिर तय करें कि क्या समझ में आता है और क्या नहीं। उन्होंने कहा कि देश को जोड़ने पर यह आकलन किया जा सकता है कि क्या वे फायदेमंद हैं। CIA की सिफारिशों में से एक आर्थिक रूप से समर्थन करना भी है। अब आगे कहा जा रहा है उनके थ्रू, यहाँ से देखेंगे। हाँ चलिए आगे बात कर रहे हैं कि भारत का विकास गैर बैंकिंग वित्तीय फर्मों जिसे NBFCS के नाम से जानते हैं को अधिक से अधिक करने की अनुमति देना है, जो बैंकों को
बैंकों को करने की अनुमति है। उचित जोखिम नियंत्रण उपायों और पर्यवेक्षण के साथ उन्होंने कहा, ऐसी फर्मों की वृद्धि का हवाला देते हुए विगत दशक में इस प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो मिली हैं। रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिरने पर उन्होंने कहा कि मुद्रा चाहे जिस भी तरफ जाए, आगे उन्होंने ये कहा, एक मिनट, हाँ, इसके बाद उन्होंने ये कहा कि चाहे जो जो मुद्रा है वो किसी भी दिशा में जाए, किसी भी तरफ जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे कुछ फर्मों की लागत बढ़ेगी और दूसरों को लाभ होगा, लेकिन धीरे धीरे आंदोलन गंभीर होते हुए ठीक हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे संजीव बजाज के द्वारा चीज़ें बताई गई। अब चलिए चलते हैं दूसरे कंटेंट के बारे में हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इलोन मस्क के बारे में कोई एक छोटी सी न्यूज़ थी, तो मुझे लगा कि ये भी इम्पोर्टेंट हो सकती है, इसलिए मैंने भी इसको ले लिया। तो चलिए फिर मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ क्या कहा उन्होंने। तो जो कंटेंट था ये था कि ट्विटर के अकाउंट से पता चलता है कि मास्क हस्ताक्षर करने की हड़बड़ी में है। मास्क ने कोई गैर सार्वजनिक जानकारी नहीं मांगी। तो ये सब टॉपिक था इनका, और आइए इनके बारे में देख लेते हैं क्या न्यूज़ थी। तो न्यूज़ के बारे में अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि ट्विटर हंक ने मंगलवार को सौदा वार्ताओं के अपने खाते को प्रकाशित किया। मस्क यह दिखाते हुए कि उन्होंने कंपनी के व्यवसाय के बारे में सवाल पूछने का विकल्प चुना, जिससे उन्होंने अब घोषित किया कि $44 बिलियन का अधिग्रहण होल्ड पर है। एलोन के साथ ट्विटर के प्रॉक्सी स्टेटमेंट में प्रकाशित अकाउंट, जिसमें बताया गया कि डील वोट करने के लिए शेयरधारकों को क्या जानना चाहिए मिस्टर मस्क, और आगे बताया गया, को एक डील हासिल करने की हड़बड़ी में दिखाता है और डील को ख़त्म करने की धमकी देता है अगर वह इस बात की तरह तह तक नहीं जाता है कि कैसे मंच के पास कई स्पैम खाते हैं। तो ट्वीट का उल्लेख है नहीं है। 25 अप्रैल को सौदे पर हस्ताक्षर करने के बाद से श्री मस्क के पास प्रश्न है, और वो प्रश्न क्या है यहाँ पे बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ने अपने उपयोगकर्ता आधार के 5% से कम का प्रतिनिधित्व करने वाले स्पैम खातों के बारे में ट्विटर की सार्वजनिक फाइलिंग की सटीकता का दावा करते हुए दावा किया है कि उन्होंने कम से कम 20% होना चाहिए। ट्विटर ने अपने प्रॉक्सी बयान में कहा कि श्री मस्क ने गोपनीयता और फाइल, यहाँ ये कहा कि गोपनीयता समझौते में प्रवेश करने या ट्विटर से ट्विटर के बारे में कोई गैर सार्वजनिक जानकारी मांगने के लिए नहीं कहा है। तो ऐसा कुछ करके यहाँ पे एलोन मस्क के बारे में न्यूज़ थी और यहाँ पे आपने देख लिया। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कुछ न्यूज़ अलग थी थोड़ी सी आज, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ न्यूज़ इसके बारे में कहा जा रहा है कि टैरिफ में वृद्धि पर भारतीय Q4 का शुद्ध 2 गुना से अधिक हो गया है। तो ऐसा कुछ करके है जिसमें फर्म ने वित्त वर्ष 22 में लगभग 4,255 करोड़ का मुनाफा कमाया है। तो ऐसा कुछ करके यहाँ पे न्यूज़ है। अब है क्या एक्चुअली, मैं आपको बता देता हूँ। विशेष संवाददाता नई दिल्ली, भारतीय एयरटेल ने मंगलवार को 31 मार्च को समाप्त तिमाही के लिए अपने समय की शुद्ध लाभ में 2 गुना से अधिक की वृद्धि के साथ साथ 2,008 करोड़ की वृद्धि दर्ज की है, जो प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व ARPU में वृद्धि और असाधारण आय में वृद्धि से प्रेषित है। निम्नलिखित टैरिफ, यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है और बताया गया है कि साल दर साल कुल राजस्व 31,500 जो लगभग 22.3% चढ़ गया है करोड़ करने के लिए। भारत और दक्षिण एशिया के MD और CEO गोपाल विठल ने कहा, तिमाही के लिए हमारे समेकित राजस्व 5.5% की वृद्धि हुई और EBITDA मार्जिन बढ़कर 50.8 हो गया है, जिसे हमारा ध्यान ऑलराउंड डिलीवरी पर केंद्रित रहा है। मोबाइल कारोबार का राजस्व 9.5% ऊपर था, जैसा कि हमने पूरा देखा। और आगे ये भी बताया गया इनके थ्रू और भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई और कहा गया क्या, कहा कि टैरिफ वृद्धि के माध्यम से प्रवाह होगा। एयरटेल के पास लगभग 178 पर उच्चतम RPU है और तिमाही के दौरान मोबाइल RPU एक साल पहले 145 के मुकाबले बढ़कर 178 हो गया। पूरे वित्त वर्ष 2012 के लिए कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में 15,084 करोड़ के नुकसान के मुकाबले 4,255 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि राजस्व 16% आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, हाँ, 16% से लगभग बताया गया कि न्यून यहाँ पे 1,16,547 करोड़ तक भी चढ़ गया था। तो ऐसा कुछ करके यहाँ पे यह डील के बारे में एक छोटी सी न्यूज़ थी। और चलिए फिर अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ये आप देख सकते हैं। इकोनॉमी
से रिलेटेड है ये, और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे क्या कहा जा रहा है। आइए समझते हैं, कहा जा रहा है कि थोक मुद्रा स्फीति अप्रैल में 15.1 के उच्च स्तर पे पहुंच गई। तो क्या मतलब हुआ इसका, देखिए क्या है कि ईंधन खाद्य लागतों द्वारा प्रेषित मौजूदा डेटा श्रृंखला में उच्चतम स्तर पे मूल्य लाभ। क्या कहा गया, कहा गया है कि यहाँ पे एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। चलिए देखिए, कहा जा रहा है कि थोक कीमतों में मुद्रास्फीति अप्रैल में बढ़कर 15.1 हो गई, जो वर्तमान डेटा श्रृंखला में सबसे तेज गति है, जो मुख्य रूप से ईंधन और खाद्य कीमतों में वृद्धि से प्रेरित है। विशेष रूप से फल, सब्जियां और दूध जैसे खराब होने वाली वस्तुओं को ही मार्च में यह दर 14.5 थी। पिछली मुद्रास्फीति फिर से थोक मूल्य सूचकांक की वर्तमान श्रृंखला में कई गाड़ हैं। 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग करते हुए नवम्बर 2021 में 14.9% था। काम पर आधार प्रभाव नगण्य था, क्योंकि पिछले अप्रैल में थोक बिक्री मूल्य मुद्रास्फीति लगभग 10.7% ही थी। अब आगे क्या बताया गया है, आगे यहीं पे कहा गया कि मैं थोक मूल्य मुद्रास्फीति का सार्वकालिक उच्च स्तर मुझाती ऊंचाई लू ने फलों और सब्जियों जैसे खराब होने वाले सामानों की कीमतों में तेजी ला दी है। सुशील कुमार वर्मा, ऐसा बताया जा रहा है उनके थ्रू। अगर कहा गया है कि अप्रैल वृद्धि से प्रेरित था, विनिर्मित उत्पादों के साथ बोर्ड भर में कीमतों में और ईंधन और शक्ति अग्रणी चीजों केयर रेटिंग्स को मुख्य अर्थशास्त्री रजनी ने कहा कि रजनी सिन्हा ने कहा कि निर्माता उम्मीद कर रहे हैं कि उपभोक्ता पर बढ़ती लागत को पारित करने के लिए अप्रैल में देखी गई 95 महीने के उच्च स्तर पर 7.8 से खुदरा मुद्रास्फीति को और भी अधिक बढ़ा सकता है। सॉरी, आगे देखेंगे, आगे की न्यूज़ में यहाँ पे बताया गया है कि ईंधन और बिजली मुद्रास्फीति पिछले लगभग जो वर्ष थी लगभग लगभग 38.7 थी, जो अब यहाँ पे पहुँच चुकी है। तो कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ करके कंटेंट दिया गया है, और चलिए फिर आप थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि एक मिनट, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च 34.5 से, जबकि विनिर्मित उत्पाद की मुद्रास्फीति 10.7% से बढ़कर 10.9% हो गई, और खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति 8.7% से बढ़कर 8.9% हो गई। तो यहाँ पे कुछ ऐसा करके न्यूज़ दिया गया था, ठीक है, तो इसको एक बार आप इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे मेन रूप से जो न्यूज़ है वो G7 के बारे में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इसको मुझे आपको बताना है, तो एक बार मैं इसको ध्यान से बता देता हूँ आपको क्या है ये। आइए समझते हैं, सबसे पहले G7 के दबाव बढ़ने की संभावना, गेहूं निर्यात प्रतिबंध को उलटने के लिए, तो ऐसा कुछ करके न्यूज़ थी। खाद्य सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेगा भारत, कहा गया कि सुहासिनी हैदर कल्लोर भट्टाचार्य जी, नई दिल्ली, तो उनके थ्रू ये न्यूज़ है। और बताया क्या जा रहा है, तो बताया जो जा रहा था यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। G7 देशों के सदस्यों से जर्मनी में ओमिंग G7 शिखर सम्मेलन 26 से 28 जून के दौरान प्रतिबंध एवं गेहूं निर्यात को वापस लेने के लिए भारत से अपील करने की उम्मीद है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाग लेने की संभावना है। भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन न्यूयॉर्क में वैश्विक खाद्य सुरक्षा कार्यवाही का आह्वान पर एक उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। सूत्रों ने द हिंदू को बताया कि भविष्य में G20 अध्यक्ष, और आगे कहा गया कि के रूप में भारत के पास खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, खासकर यूक्रेन संकट की पृष्ठभूमि में जिसने वैश्विक कृषि को बाधित किया। इसके अलावा कहा गया कि आपूर्ति नेटवर्क भारत के गेहूं का मुद्दा, इसके अलावा यहां से न्यूज है कि संयुक्त राष्ट्र में बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा आयोजित वैश्विक खाद्य सुरक्षा बैठक में निर्यात प्रतिबंध हावी होने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मिजाज से अमेरिकी दूत ने संयुक्त राष्ट्र के राजदूत लिंडा थॉमस और ग्रीनफील्ड की अवगत कराया, जिन्होंने कहा कि US अन्य देशों को गेहूं के निर्यात से रोकने से बचने के लिए कह रहा है, और कहा भारत उन देशों में से एक होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, यहीं पे कुछ और न्यूज़ बताई जा रही है, और यहीं पे कहा जा रहा है कि लगभग सुरक्षा परिषद में हमारी बैठक का हवाला देते हुए, और हम आशा करते हैं कि यहाँ पे बताया गया है, करते हैं कि अन्य देशों द्वारा उठाई जा रही चिंताओं को सुन सकते हैं और वे इस स्थिति पर पुनः विचार करेंगे। जर्मनी में शिखर सम्मेलन से पहले भारत और G7 देशों के बीच परामर्श जारी रहेगा। विदेश मंत्रालय के सचिव दम्मू रवि बुधवार को बर्लिन में जी
7 विकास मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे, ऐसा कुछ करके बताया गया है। और फाइनली ये भी कहा जा रहा है कि जहां खाद्य सुरक्षा का मुद्दा हावी होने की उम्मीद है, बैठक में एक प्रस्ताव पेश करने की संभावना है, लेकिन भारत दस्तावेज का समर्थन नहीं कर सकता। G7 की ओर से आने वाले दबाव का संकेत भारतीय पक्ष ने जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की हाल में ही संपन्न हुई प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान महसूस किया था, जब समकक्षों के साथ बातचीत में यूक्रेन संकट का प्रभुत्व था। तो ऐसा कुछ करके G7 के बारे में एक छोटी सी न्यूज़ थी और मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, और आई थिंक ये लास्ट न्यूज़ है, और ये आपके यहाँ से आप देख सकते हैं, साइंस एंड टेक से रिलेटेड एक यहाँ पे कंटेंट था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है कंटेंट। कहा जा रहा है कि जैव विविधता कानून में बदलाव इसे कमजोर करेगा, जयराम रमेश। तो जयराम रमेश के थ्रू बताया जा रहा है कि जैव विविधता कानून में जो बदलाव है इसे कहीं कहीं कमजोर कर सकता है। तो क्या कहा गया कि संसदीय पैनल के सदस्य ने आयुष चिकित्सकों को दी छूट को झंडी दिखाकर शोभना के नए न्यू दिल्ली, मतलब ये एक न्यूज़ है, और बताया जा रहा है कि अगर जैव विविधता कानून में अगर बदलाव किया जाएगा तो कहीं कहीं ये थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। तो न्यूज़ क्या है, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे वर्ड आपको दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने जैविक विविधता संशोधन विधेयक 2021 पर चिंता व्यक्त की है, जो संयुक्त संसदीय समिति में विचार विमर्श के अंतिम चरण में है। उन्होंने आयुष चिकित्सकों को कानून के प्रावधानों से दी छूट पर सवाल उठाया है, और आगे बताया भी जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि श्री रमेश, जो समिति के सदस्य हैं, ने अन्य सदस्यों और समिति अध्यक्ष और भाजपा सांसद संजय जायसवाल को संबोधित करते हुए एक बार कहा कि यह छूट कानून के दुरुपयोग के लिए खोल सकती है। कानून पिछले साल 16 दिसंबर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा संसद में पेश किया गया था, और 20 दिसंबर को संयुक्त संसदीय को संदर्भित किया गया था। विधेयक जैविक गोताखोर समिति में संशोधन करता है। शायद अधिनियम 2002 को सरल बनाने के लिए अनुपालन और आवश्यकताएं घरेलू कंपनी के लिए आगे यहां से बताया गया है कि समिति के समक्ष पिछले महीने पर्यावरण मंत्रालय द्वारा की गई प्रस्तुति को हरी झंडी दिखाते हुए श्री रमेश ने कहा, मंत्रालय एक पंजीकृत आयुष, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी व्यवसायी और के बीच का अंतर कर रहा है। एक कंपनी और पूर्व को अधिनियम से छूट मिल सकती है, ऐसा कुछ करके यहाँ पे बताया जा रहा है। और आगे ये भी कहा गया कि यह एक कृत्रिम भेद है, क्योंकि पंजीकृत आयुष व्यवसायी के सामूहिक परिवार या अन्य के साथ अनौपचारिक संबंध हो सकते हैं। इसके अलावा बुद्धिमान जो हो सकता है या नहीं, एक कंपनी संरचना है, यह अच्छी तरह से के लिए कह सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दरवाजे खोल सकता है, ऐसा कुछ करके यहाँ पे बताया गया है। और फाइनली आगे यहाँ पे कहा गया है कि बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे कई आयुष कंपनियों के द्वारा दबाव के कारण संशोधित विधेयक में 2016 में उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड ने स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण द्वारा संचालित दिव्य फार्मेसी को एक नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया कि उसने बोर्ड को सूचित किए बिना अपने आयुर्वेदिक योगों के लिए राज्य से जैविक संसाधनों का उपयोग करने के लिए जैव विविधता अधिनियम का उल्लंघन किया है, और यह कि एक्सेस और लाभ साधारणकरण, एक मिनट मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, इसके अलावा कहा गया है कि जैव विविधता अधिनियम का उल्लंघन किया है, और यह है कि एक्सेस और लाभ साझाकरण शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। इसके अलावा आगे यह भी कहा गया कि यहाँ पे कंपनी ने असफल रूप से चुनौती दी बोर्ड का नोटिस, और आगे थोड़ा सा समझेंगे, यहीं पे छोटी सी और बची हुई न्यूज़। आगे कहा गया कि एक मिनट, हाँ, तो ये श्री रमेश ने खेती, जैव विविधता, वन आधारित जैव और विविधता के बीच कानून में किए गए मतभेद पर भी अलार्म बजाया। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि भेद का आधार क्या होगा और इसे व्यवहार में कायम रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि विधेयक के कई प्रावधानों का उद्देश्य राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अधिनियम को कमजोर करना है, और आगे उन्होंने ये भी कहा, एक मिनट, हाँ, आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर, एक मिनट, यहाँ पे कहा गया है कि OIT यानी कि NBA भारत सरकार के 16 पदेन अधिकारियों की नियुक्ति एक ऐसा ही है। श्री रमेश ने कहा कि केवल पेटेंट या व्यवसायीकरण के समय अनुमोदन की आवश्यकता होती न कि पेटेंट के लिए आवेदन के समय, कुछ ऐसा जिसके बहुत दूरगामी निहितार्थ है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या होगा,
कि व्यावसायीकरण के समय एनबीए की मंजूरी और औपचारिकता में कम आ जाएगी और एक विश्वासपूर्ण उपलब्धि बन जाएगी, उन्होंने ऐसा कुछ करके लिखा हुआ था। और आगे अगर बात करें तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही था, और मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से बता दिया है। मैं आपको एक बार यहाँ से बता देता हूँ, ये बहुत ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है अगर मैं आपको बताऊँ, दोनों ही चीज़ों को कंबाइन करना और फिर एक साथ लेकर आना आप लोगों के लिए एक बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि उन सारे एस्पिरेंट की मैं मदद कर सकूँ जो कई बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, और न केवल अपनी एक छोटी सी कमी की वो लैंग्वेज पर अपनी अच्छी कमांड ना कर पाने के कारण वो इस प्रकार के एडिटोरियल या हिंदू को छोड़ देते हैं। तो मुझे लगा कि उनके लिए मैं एक छोटा सा अपने तरफ से प्रयास कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार का सजेशन अगर आपको देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप अपने सजेशन ज़रूर बताइए, और कहाँ पे अभी कमियाँ आपको नज़र आ रही हैं इस वीडियोज़ में वो भी हमें बताएं, ताकि हम इसमें और थोड़ा बहुत सुधार कर सकें। यहाँ पे मुझे पता है वर्ड थोड़े क्लियर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा और क्लियर लाने की, लेकिन जैसे ही वो ठीक हो जाएगा डेफिनेटली सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि कोई भी दिन ख़राब ना हो, और डेली कुछ ना कुछ मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँ। और द हिंदू का एडिटोरियल साथ में चल ही रहा है, तो उसको भी आप देखते ही रहिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को भी अपना प्यार बना के रखिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और कल की ही द एडिटोरियल के साथ हम लोग बात करेंगे और समझेंगे कल के न्यूज़ के बारे में। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, मिलते हैं कल की वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।